ज्ञानी जो होता है वो दोनों प्रकार के त्याग करता है और अज्ञानी जो होता है वो एक कोई भी एक त्याग करता है। ज्ञानांतर व्यवहार करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें निश्चय त्याग भी करना चाहिए, राग द्वेष का भी त्याग करना चाहिए। कुएं का पानी यदि खर्च ना किया जाए तो खराब हो जाता है और खर्च होता है तो खराब नहीं होता। उसी प्रकार से आपका धन संपत्ति वैभव यदि आप दोनों हाथ से दान करेंगे तो वो सही बना रहेगा, दान नहीं करेंगे तो कुएं के पानी के तहत हमारी संपत्ति भी खराब हो जाएगी, हमें नरक में ले जाएगी। दोनों संभारे कूप जल सम, हमें निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के दान को कुएं के जल के समान करना चाहिए, भरना नहीं चाहिए। सर्व घर में बने नया, कुएं का पानी पुराना निकालते हैं नया आता है, उसी प्रकार से आप दान करते हैं तो नई संपत्ति आपके पास में आती है। ने जहां दीजिए साथ लीजिए, खाया खोया बह गया, दान आप करेंगे आपको पुण्य मिलेगा, नहीं तो खाएंगे और खो देंगे और वो निकल जाएगा, हमें नहीं मिल पाएगा। धन्य है वे साधक जो शास्त्र दान अभय दान को देने वाले हैं, राग द्वेष का त्याग करने वाले हैं, बिना दान श्रावक साधु और नहीं नहीं बोध को, बिना चार प्रकार के दान के श्रावक और साधु दोनों सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए दान करना बहुत आवश्यक होता है। ओम ह्री उत्तम, आइए पाठ सब आइए आइए अरुण जी और दो बार जाप करते हैं, पूरी माला आप कर लेंगे। आ जी जल्दी आई। अभी गायब हो रहा है भैया, 10 बजे बैठे कहीं।